एपिसोड नंबर 152, 152। वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिया जनि कछु गुनहु, आपन मोर नीक जाऊं चहु, बचनु हमार मान गृह रहु, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति हो। सपथ सत मोहि सुमुखी मातु हित राखउ तोहि। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु,
पाई अभी नहीं कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेस। दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा, जौ हट करहु प्रेम बस बामा, तौ तुम दुख पाउ परिणाम, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, उस कंटक मग ताकर नाना, चलब पया देही बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारी, अंदर को नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहे निहारे, भालु बाघ ब्रिक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीर जुभागा। भूमि सयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, एक सदा सब दिन मिलहि सबु समय अनुकूल, नर आहार रजनी चर चर ही, कपट बेश विधि कोटिक कर, लागै अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाए बखानी, ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर तोरा, डर पही धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए, हंस गवनी तुम नहीं बन जो, अब जसु मोहि दे लोगु, मानस सलिल सुधा प्रति पाली, जियाई की लवन पयोधि मराली, रसाल बन बिहरन सीला, सोह की पोखिल विपिन करीला, रहु भवन असहृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी,